सो इस वक्त जो मैं प्रीव्यू देख रहा हूँ वो प्रोटेट पेज कहलाता है, ठीक है। टॉप टू बॉटम मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये लैंडस्केप पेज नहीं है मेरे पास। तो नॉर्मली जब हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंटआउट निकालते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो उसके पेज की अलाइनमेंट होती है वो प्रोटेट स्टाइल के अंदर होती है। कंप्यूटर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से कुछ स्पेसिंग छोड़ रहा होता है और आप यहाँ देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट इसने टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से कुछ स्पेसेस छोड़ दिए। अब चूंकि डॉक्यूमेंट एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है इसलिए यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन एक साथ प्रिंट नहीं हो पा रही है। मैक्सिमम पेजेस ही यूटिलाइज कर रहा है और ऑलमोस्ट 27 पेजेस पे प्रिंट आ रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि 27 पेज का ये डॉक्यूमेंट अगर मैं प्रिंट आउट लूंगा तो एक तो वेस्टेज ऑफ पेपर है, दूसरा है कि ये ठीक से प्रिंट भी नहीं आ रहा, तो मुझे इसमें कुछ एडिटिंग करनी होगी, राइट। सबसे पहली एडिटिंग, और मैं ये सारी एक्टिविटी यहाँ पेज सेटअप में जाके कर रहा हूँ। यहाँ मेरे पास प्रिंट का एरिया दिया हुआ है, पेज की साइज है, ऑरियंटेशन स्टाइल है, इन सबको मैं वन गो में पेज सेटअप में जाकर चेंज कर सकता हूँ। एक तरीका हो सकता है, या फिर मैंने आपको बताया था कि पेज लेआउट टैब के अंदर बारी बारी जाकर इन तमाम को आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका पेज सेटअप एरिया है। और आप एक चीज और ऑब्जर्व करें कि पेज सेटअप एरिया के कॉर्नर पे एक छोटा सा आइकॉन है, एक्सपेंड का आइकॉन होता है, जस्ट आप इस पर क्लिक करते हैं तो वही पेज सेटअप की विंडो आपके पास पॉपुलेट करती है। अब इस पेज सेटअप एरिया में जो सबसे पहली मैं चेंजिंग करने जा रहा हूँ वो इसका ऑरियंटेशन है, बिकॉज के मेरा जो डाटा है वो कॉलम एम तक है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपरली प्रिंट नहीं हो पा रही है, तो रोटेट स्टाइल तो इसके लिए सूटेबल नहीं है। सो मैं पेज के स्टाइल को लैंडस्केप करता हूँ, ये पहला मेरा स्टाइल है। दूसरा, अगर मैं इसी का प्रिंट प्रीव्यू चेक करूं तो अब 27 की जगह 26 पेज पर आ रहा है। चलो एक पेज तो हमने सेव कर लिया, लेकिन आप देखें कि ये कोई खास अचीवमेंट नहीं हुई, और जो अभी भी कॉलम्स हैं वो बोनस तक आ रहे हैं, बोनस के आगे की जो रेस्ट ऑफ द कॉलम्स हैं वो प्रॉपरली अभी भी प्रिंट नहीं आ रहे, तो मुझे अभी मजीद उसके अंदर चेंजिंग करनी होगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो ये कि मैं यहाँ से एडजस्टमेंट साइज पेज के टैब के अंदर जो एडजस्टमेंट साइज है वो 100% है, इसकी साइज को मैं मिनिमम करूंगा ताकि ये थोड़ा सा माइक्रो हो जाए और बेहतर तौर पे प्रिंट आ सके, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही एग्जांपल जैसे हम फोटो स्टेट वाले की शॉप पे जाते हैं और हम उसे कहते हैं कि भाई हमारा कोई भी एक लार्ज पेपर है, फॉर एग्जाम्पल मैप टाइप का कोई पेपर है, और हम कहते हैं यार इसको A4 साइज पे प्रिंट निकाल दो, तो वो रीडेबल भी होना चाहिए, और उससे फायदा ये होता है कि बड़े पेपर को आप कंट्रोल करने की जगह एक छोटे पेपर को हैंडल करते हैं। अच्छा, दूसरा ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं चला जाता हूँ व्यू के टैब के अंदर और यहाँ पर पेज ब्रेक प्रीव्यू के ऑप्शन को यूज करता हूँ। पेज ब्रेक प्रीव्यू ने मुझे बताया कि भाई ये आपका पेज ब्रेक है, जहां पर कॉलम ए से कॉलम आई तक की प्रिंटआउट्स आएंगे, देन कॉलम जे से कॉलम एन तक, फिर आपका ये पेज नंबर 2 है। तो हमने देखा था कि बोनस तक का ही प्रिंट आउट आ रहा था, बाकी इंफॉर्मेशन प्रिंट नहीं हो रही थी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैनुअल भी ये काम कर सकता हूँ, उसको ट्रैक एंड ड्रॉप। अपने माउस को मैंने जस्टिस फिल के आइकॉन पे रखा और मैं इस लाइन को ट्रैक एंड ड्रॉप करता हूँ, कॉर्नर तक ले जाता हूँ। आप देखें ये जो बीच की एक पेज ब्रेक की लाइन आ रही थी वो मैंने ऑफ कर दी, और आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि कंप्लीट पेज 1 अब मेरे पास आ रहा है। और मैं बेहतर तौर पर इसको देखने के लिए फाइल में चला जाता हूँ, प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। आप देखें अब ये इन्फॉर्मेशन मेरी टोटल पेज 9 तक अब लिमिटेड हो गई है, जो पहले बहुत ज्यादा पेजेस यूटिलाइज हो रहे थे अब वो बहुत ज्यादा पेजेस यूटिलाइज नहीं हो रहे, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरी जो है वो प्रिंट हो रही है। अब इसमें मैं 2-3 चीजें और ऑब्जर्व कर रहा हूँ। पहला तो ये कि जो हेडर है, यानी जो डेटाबेस का हेडर मैंने दिया था, वो एक ही शीट के टॉप पर आ रहा है। अगर मैं नेक्स्ट शीट पे जा रहा हूँ तो यहाँ पर हेडिंग्स नहीं नजर आ रही, ठीक है। मैं शीट 3 पे जा रहा हूँ, यहाँ पर हेडिंग्स नहीं नजर आ रही, और अगर हेडिंग्स नहीं नजर आ रही तो मुझे ये नहीं पता चल रहा कि एक्चुअल में मेरा ये टोटल कंपोजिशन है या टेक होम है, ये जो नेक्स्ट है ये कौन से अलाउंसेस है, बोनस है, ओवर टाइम है, किसी मेडिकल अलाउंस में दे रहा हूँ मैं, क्या दे रहा हूँ। तो हेडिंग्स मिसिंग है, मैं चाह रहा हूँ कि हर शीट के टॉप पर हेडर भी मेरा रिपीट होता रहे। तो ऐसा करने के लिए मैं एक्चुअल में चला जाता हूँ पेज लेआउट टैब के अंदर और यहाँ से ऑप्शन यूज कर रहा हूँ प्रिंट टाइटल्स। और प्रिंट टाइटल्स में पहले हम काम कर रहे थे पेज के टैब के अंदर मार्जिन्स, पेज के टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से स्पेसिंग, जो मैंने आपसे बताया था कि डिफॉल्ट दी भी होती है, अगर आप उसे कम और ज्यादा करना चाहें तो ये वो एरिया दिया हुआ है जो आप स्पेसिंग के लिए बढ़ा कम कर सकते हैं। हेडर फुटर थोड़ी देर में आते हैं इस पर। यहां से मैं जा रहा हूँ शीट के अंदर, शीट 4 टैब है और यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट एरिया रॉ टू रिपीट एट टॉप। वो कौन सी रॉ है जिसको आप रिपीट करना चाहते हैं टॉप पर, और आप कॉलम भी दे सकते हैं। इस सिचुएशन में मुझे हेडिंग चाहिए थी इसलिए मैंने रॉ टू रिपीट एट टॉप लिया, और बैक हैंड पे अपनी शीट पर ये जो फर्स्ट हेडिंग है सिर्फ, जो कि मेरी रॉ नंबर 1 पे जो हेडिंग है वही मुझे रिपीट करनी है, उसे मैंने सेलेक्ट किया।
और यहीं से मैं प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन को यूज करता हूँ। आप देखें शीट वन पे तो पहले भी आ रहा था, अभी भी आ रहा है, देखते हैं शीट टू पर जाकर। यस, शीट टू पर भी हेडर्स आ गए जो इस डेटाबेस के हेडर्स थे। हर शीट के टॉप पर मेरे पास अब हेडर अवेलेबल हो गया, तो ये मेरे लिए बड़ा आसान हो गया। जब भी मैं पेज के प्रिंट आउट निकालूंगा तो मुझे शीट के टॉप पर हेडर्स जो है वो अवेलेबल मिलेंगे। अब नेक्स्ट में मैं ये चाहता हूँ कि हर शीट के बॉटम पर फॉर एग्जाम्पल पेज का नंबर भी आ जाए, कि ये मैं 8 of 9 पेज पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 of 9 पेज पढ़ रहा हूँ, 2 of 9 पेज पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो पेज के नंबर आने चाहिए टोटल पेज के काउंट के हिसाब से, नंबर वन। नंबर टू, पेज के स्टार्ट पर मुझे इस डॉक्यूमेंट का नाम चाहिए, या मैं कोई अपना नाम दे सकता हूँ, एचआर डेटाबेस अपनी कंपनी का नाम देना चाहता हूँ। तो ऐसा करने के लिए मैं पेज सेटअप पे चला जाता हूँ और यहाँ से मैं हेडर एंड फूटर की कमांड को यूज करता हूँ। हेडर एंड फूटर में दो चॉइसेस है। पहली चॉइस तो यह है कि आप अपनी मर्जी से कस्टम हेडर या फूटर खुद टाइप करें, ठीक है। दूसरी, यहाँ बने बनाए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनमें से किसी को चूज कर लें। तो पेज के बॉटम पे मुझे पेज नंबर चाहिए, तो ऐसा करने के लिए मैं इसके बने हुए स्टेप्स में से पेज नंबर को चूज करता हूँ और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ पेज वन ऑफ क्वेश्चन मार्क। वन ऑफ क्वेश्चन मार्क को चूज करने का मकसद ये होगा कि मैं इस वक्त पेज नंबर वन को पढ़ रहा हूँ, लेकिन आउट ऑफ कितने पेजेस हैं ये सिस्टम खुद रिकग्नाइज करेगा। अगर इस वक्त 9 पेजेस हैं तो वो 9 दिखाएगा, जैसे ही डाटा बढ़ेगा 10 पेजेस हो जाएंगे तो वो खुद यहाँ पर नंबर को चेंज करेगा 10। इसी तरह से पेज नंबर कम होंगे तो डाटा कम होगा तो पेज नंबर को भी वो एडजस्ट करेगा। तो फुटर पे तो मैंने सेट कर दिया पेज ऑफ क्वेश्चन मार्क, और हेडर में चूंकि मुझे नाम देना है अपनी कंपनी का तो मैं चला जाता हूँ कस्टम हेडर में। कस्टम हेडर में मुझसे सवाल करता है कि भाई बताइए आपको हेडर कहाँ सेट करना है, पेज के लेफ्ट पर, सेंटर में या राइट पर। मैंने कहा पेज के सेंटर पे फिक्स कर दो नाम, और नाम होगा एचआर डेटाबेस, सॉरी राइट, और किसी भी कंपनी का नाम वगैरह जो भी मैं देना चाहूँ वो दे सकता हूँ। एंड देन सिंपली अगर मुझे इसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो मैं ए के आईकॉन पे क्लिक कर देता हूँ, उसे बोल्ड कर सकता हूँ, इसकी साइज को इंक्रीज कर सकता हूँ, कलर को मैं चेंज कर देता हूँ, ऑल्दो कि मेरे पास प्रिंटर नहीं है कलर प्रिंटर, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ आपको आइडिया के तौर पर बता रहा हूँ। एंड देन फाइनली ओके करते हैं, एंड देन हम ओके करते हैं और हम चेक करते हैं पेज के टॉप पर हमारे पास हेडर अवेलेबल है और पेज के बॉटम पर हमारे पास 2 of 9 मुझे नजर आ रहा है। इस वक्त के लिए है कि मैं पेज नंबर 2 पर हूँ, यहाँ पर 3 of 9 नजर आ रहा है, नेक्स्ट कर रहा हूँ पेज नंबर 4 of 9 नजर आ रहा है। सम सिनेरियोज में अगर मुझे हेडर फुटर की अलाइनमेंट को चेंज करना है तो मैं डेफिनेटली वो सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता हूँ। यहाँ पर सिर्फ पेज नंबर ही नहीं बल्कि आप शीट का नाम दे सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट कहाँ पर सेफ है उसका पूरा पाथ यहाँ पर दे सकते हैं, प्रिंट आउट का डेट और टाइम वगैरह यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर पहले से बिल्ट इन है, आपको जस्ट जाके उसे सेलेक्ट करना है और आपका एक खूबसूरत सा हेडर एंड फुटर अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए हेडर एंड फुटर तो ऑफ कोर्स इसके बिल्कुल बिगिनिंग में आपको मिल जाएगा नन, नन को सेलेक्ट करते हैं। सिमिलरली मैं हेडर में चला जाता हूँ और जो मैंने कस्टम हेडर दिया था इसको भी मैं नन कर देता हूँ, एंड देन सिंपली ओके। सो हमारे पास ये हेडर एंड फुटर जो हमने मैनुअली डिफाइन किए थे ये दोनों चीजें हमारी ऑफ हो गई। तो ये एक बेस्ट मेथड है कि जब आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने जा रहे हैं तो प्रिंट करने से पहले उसको प्रिंट प्रीव्यू में जाकर मेक श्योर करें कि आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपरली जिस तरह से आपने बनाया उसी तरह से प्रिंट होने वाला है या नहीं होने वाला, आपके पेपर तो वेस्टेज में नहीं जाने वाले। गलती से आपने प्रिंट भेज दिया होता तो 28 पेजेस का प्रिंट आउट आ जाता, तो डेफिनेटली हम समझ सकते हैं कि सारी हमारी वेस्टेज होती। अच्छा, अब मैं प्रीव्यू से बाहर आना चाहता हूँ तो मैं व्यू के टैब में जा रहा हूँ, नॉर्मल के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो ये मेरा डॉक्यूमेंट दोबारा नॉर्मलाइज हो गया। साइड पे मेरे पास एक छोटी सी लाइन आ रही है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये लाइन एक्चुअली पेज ब्रेक की लाइन है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ अब बीच में भी एक लाइन आ गई रॉ नंबर 48 पर, तो ये पेज ब्रेक को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन पेज वन पे प्रिंट होगी, नेक्स्ट आप पेज नंबर 2 पर इस वक्त काम कर रहे हैं देख रहे हैं, तो ये लाइनें अब यहाँ से रिमूव नहीं हो सकती है, ये विजिबिलिटी आपके पास रहेगी। अच्छा अच्छा, अब हम इसी में व्यू के अंदर एक दो चीजें और देख लेते हैं। कभी कभी हमें रिक्वायरमेंट होती है कि बैकग्राउंड पे ये जो लाइंस आ रही होती हैं ये हमें नहीं देखनी होती है, तो मैं यहाँ से ग्रिड लाइंस को ऑफ कर देता हूँ। ये जो बैकग्राउंड की लाइंस है आप देख सकते हैं जो डिफॉल्ट होती है हमारी एक्सेल की लाइंस वो ऑफ हो गई हैं। अगर आपको वापस चाहिए तो आप इसको वापस रिकॉल कर सकते हैं। जो टॉप पे फार्मूला बार आ रहा है नहीं चाहिए, आप इसे ऑफ कर दें, फार्मूला बार ऑफ हो गया। आपको नीचे जो हेडिंग्स आ रही हैं ये ABCD और 1, 2, 3, 4 रॉज
ये हेडिंग्स अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इन्हें भी ऑफ कर सकते हैं, तो आपका जो डाटा है वो सॉर्ट ऑफ कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाता है। अच्छा, कभी कभी लोग कहते हैं कि यार हमें ये नीचे शीट्स के जो नाम आ रहे होते हैं, जिसको एक्चुअल में हम लोग टैब कह रहे होते हैं, शीट टैब्स, अगर ये हमें नहीं चाहिए हो तो क्या हम इसे हाइड कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम जाते हैं फाइल के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, एडवांस के अंदर, और यहाँ पर ये सारे ट्रिगर्स दिए हुए, इनमें से हमें देखना होगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं नीचे चला जाता हूँ और मैं यस, तो मैं ऑप्शन डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कबुक, और यहाँ से शो शीट टैब्स, इसका चेक अनचेक कर रहा हूँ और मैं ओके कर रहा हूँ। आप देखिए नीचे जो शीट्स के नाम आ रहे थे, अब वो शीट्स के नाम ऑफ हो गए। तो कभी कभी हम लोग जब डैशबोर्ड बना रहे होते हैं और मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट इंडेक्स पेज हो, उस पर क्लिक करें तो नेक्स्ट शीट पे जाए, नेक्स्ट शीट से वापस उसने इंडेक्स पेज पर आना है तो वो आए, और नीचे शीटों के नाम नजर आए, क्योंकि अगर नीचे शीटों के नाम नजर आएंगे तो लोग वैसे ही स्क्रॉल करके चले जाएंगे। तो मेरा जो पूरा फॉर्मेट मैंने डिजाइन किया है हाइपरलिंक के साथ इंडेक्स पेज का कॉन्सेप्ट, तो वो चीजें लोग यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो ये एक मेथड हो सकता है अपने डाटा को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इसको मैं दोबारा ठीक कर लेता हूँ